पठानकोट का थाना डिवीजन नंबर 2 आज सुर्खियों में दिख रहा है। वजह है एक महीने पहले दर्ज हुए झगड़े के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही ना किए जाने की, जिसके चलते आज स्थानीय लोगों द्वारा थाने का घेराव किया गया है और पुलिस विभाग द्वारा मामले को लेकर तैनात किए गए तफ्तीश अधिकारी रमेश कुमार पर पैसे लेकर कार्यवाही ना करने के आरोप लगाए गए। इससे संबंधित जब प्रदर्शनकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक महीने पहले प्रेमनगर निवासी अंकुश कुमार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसे लेकर पुलिस विभाग को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन एक महीना बीत जाने के बावजूद आज भी हम लोग कार्रवाई के इंतजार में हैं, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हमारी मांग है कि पूरे मामले को लेकर जो तफ्तीश अधिकारी हैं उसे सस्पेंड किया जाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे संबंधित जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी इन लोगों से बात हो गई है और थाना प्रभारी को इस संबंधी निर्देश दिए गए हैं। जहां तक बात तफ्तीश अधिकारी को सस्पेंड करने की है, उस संबंधी अधिकारियों को बता दिया गया है। और 21-2 हैगा ये अंकुश परिवार प्रेमनगर का रहने वाला टाकी माड़ा मोटा तकरार होया सी, जिदे विच जिहड़ी दूजी दोषी पार्टी है अंकुश वगैरह और सोनू वगैरह वो पार्टी ने आके इन्हों के घर के अंदर आके कातलों ने हमला किया, इन्होंने दातर मारे दराड़ मारे, जिंद उस दिन दरखास्त साडे योगराज शर्मा जी ने नाल लैके डिवीजन नंबर 2 एस एस दी है, लेकिन अज एक महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने जिनकी रिजल्ट जोड़ा है वो 26 का बंदा इतनी 25 रिजल्ट बनाया गया, दूजी पार्टी मिल के पैसे करते उन्होंने कंपर कराने मामले पिया, जबकि असं चाहते हैं कि दोषी सजा मिलनी चाहिए है, क्योंकि पिछले महीने अंदर एक अप्रैल नगर के अंदर घटना हुई है, असं चाहते हैं कि वो वारदात मुड़ के पठानकोट नहीं हो, इस करके क्राइम में नकेल पाने वास्ते असं गरीबों की मदद कर रहे हैं। शिवसेना ने हमेशा समाज सेवा की है, जिसे पुलिस की मदद करने का टाइम आया उतने शिवसेना ने पुलिस की मदद भी की है। घटना उदों की है जो एयरपोर्ट पर हमला होया सी, उदों भी शिवसेना ने अपना योगदान दिता सीगा, समाज सेवा की सी, हर उस टाइम पुलिस ने अपने शिवसेना ने जाके समाज सेवा करते हुए सबनों रात में खाने बना के हफ्ता भर खाना खिलाया, हफ्ता भर असी समाज सेवा की है। साड़ी समाज सेवा यही बोला अच्छ कि असं एक गरीब नहीं सामने आना है, लेकिन यह पुलिस तो इंसाफ नहीं मिल रहा, असं सारी पुलिस को कड़ते नहीं कहते, पुलिस बहुत चंगी है, लेकिन बिच बिच कोई ना कोई तालाब की एक मछली गंदी होंगी है, वो मछली है रमेश कुमार एस आई। साढ़े घर 2 घटना आई ने, दोनों घटना च एस आई रमेश कुमार ने पैसे खाधे ने और दूजी पार्टी दोषी पार्टी मिल के आते इंसाफ नहीं किया, ना दोषी पार्टी ने कोई सजा दी हैगी है। कोई भी असं चाहते हैं कि मुड़के वो जी घटना ना हो जिता अपरोल नगर के अंदर होया, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर भी उन्हें कातलों ने हमला किया, दातर मारे ने, लेकिन अज तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी चाहते हैं कि ऐसे रमेश कुमार सस्पेंड किया जाए और उसकी जगह से जी इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छे ऑफिसर को करा के इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए, साड़ी यही मांग है। जब तक इंसाफ नहीं मिले ये इस तरह रमेश सस्पेंड नहीं होया, अभी उतने नहीं उठाएंगे तो ना काम जब रहेगा। शिवसेना जिंदाबाद। चलो माड़ी मोटी गल हुई है, कोई गल नहीं जी, इदा जी बाद घर जान का मतलब कि बंदा मैं गया पंप से तेल पवा, बाद मेरे घर दत्त दुत लैके चल गए मारने, उस तो बाद कि इन्होंने कि मेरी माँ ने भी धक्का दिता, साढ़े को वीडियो पे सारे प्रूफ पे हाँ घर जाके वीडियो पारियाँ साल अं जाके थाने भी लिखाइया, मगर इन्होंने ताकि कोई भी कार्रवाई नहीं की। उस तो बाद मैं आया पंप तो तेल पवा के इन्होंने आके स्कूटी के उत्ते दातर मारे आ, तो मैंने 5-7 बंदे बह गया, स्कूटी मेरी यहाँ पूरी टोटल लास्ट कर दी है, लत्त से दातर मारे दे आ, वेखो मैं कोई आप थोड़ा पुटे आ बाल। भाई एक बुद्ध है प्रेमनगर का, एक है सोनू मुंडा बाग महल का, वह कहता कि मैनू कि बंद ने 2 घंटे का टाइम दिते कि आ बंद डा दो जानू मार दो, तो कल कोई हर्ज मुर्ज होगी अही 2 बंद ना लगना। भाई आप टब्बरदार बंदे हैं, काम काज से जाइए, आप कि लड़ते नहीं हाँ, पहला कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, फिर इदा ही बी किसी ने बंद ने जोड़ा मेरे से पहला भी झूठा एक परचा पवाया था मेरे उत्ते, बंद ने मेरे ख्याल इन्हों का साथ देन दिया, जिस बंद ने पहला भी मेरा चंडीगढ़ों 4.5 महीने बाद मेरे उत्ते 308 लवाती 23-25-34 बनाई 308 लवाती, तो फिर वो बंद ने ही ये बंद का साथ देन दिया, इन्ना नहीं मैंने पता बंदा कौन हैगा, मेरे झूठे परचे मेरे से जान के पवाए करते हैं। आए दिन मेरे नाल मेरे 4 बारी मेरे घर आए हैं लड़न, इंडिया वीडियो पूरी बना के रखी दी
पुलिस नूं भी दिखाइयां, पर पुलिस ने एक बारी भी उस बंदे नूं चक्किया। जद मैं कहा उन्हां नूं कि स्कूटी भाई तुसीं लै आओ थाने, कहिंदे तुसीं आटो 'च पा के जाओ स्कूटी ते इह थाने छड्ड के जाओ। एक है जग्गी हलवाई का मुंडा बाग महल्ले का, एक है मुंडा प्रेम नगर का बोधा, प्रेम नगर का मुंडा बोधा वा, एक बाग महल्ले का मुंडा आ सोनू जग्गी हलवाई का। देखो कोई मैटर सी एक दो इन दे जे कह रहे थे भी पुलिस जी कार्रवाई नहीं कर रही, सो इतने आप आए हैं इन्हों की गलबात सुनी है, जेडे भी इन्हों जायज़ मैटर है जिन्हें कार्रवाई नहीं हुई आप इमीजिएटली करवा रहे हैं, और जी बनती कार्रवाई है वो मैं एस एच ओ साहब कहता है वह पटारा आप कर रहे हैं। बाकी हाँ वो गल हो गई है, एस एस पी साहब के मैट ध्यान से लिया मैटर वो जो भी आप देख लेंगे हो गई गलों प्रधान जी गए थे हो गई गलों ठीक है जहाँ से पेंडिंग दरखास्त है आप एस एच ओ साहब कहता है वो अपना जो भी बनती कानूनी कार्रवाई करवा देंगे। थैंक यू।